सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैपटॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था, माउस का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैपटॉप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है L फॉर लाइट वेट, A फॉर एनालिटिकल, P फॉर प्लेटफॉर्म, T फॉर टोटल, O फॉर ऑप्टिमाइज, P फॉर पावर होता है। लैपटॉप का पूरा नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका शॉर्ट नाम से लैपटॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है एडम ओसबोर्न ने, जो कि सर्वप्रथम लैपटॉप का आविष्कार किया था। कब किया था? 1981 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउस का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है डगलस एंजेलबर्ट, जो कि सर्वप्रथम माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है क्रिस्टोफर लेथम सुलेज, जो कि सर्वप्रथम कीबोर्ड का आविष्कार किया था और इसे फादर्स ऑफ टाइपराइटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर आविष्कार किया था? मैकेनिकल कंप्यूटर आविष्कार किया था। कब किया था? सन 1822 में। हमने आपको आज कंप्यूटर के संबंधित बहुत ही अहम जानकारी साझा की और बताया कि लैपटॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था, माउस का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।